वन क्षेत्र में जे के ल मैनेजर से याद रहेगा, जे से जमुई, के से कैमूर, ल मैनेजर की बात, एल से लखीसराय और डब्ल्यू से वेस्ट चंपारण मैनेजर की, एम से मुंगेर, एन से नवादा और जी से आपका हो जाएगा गया और आर से रोहतास, राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सी टेक गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूं लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन, और इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं काफी बेहतरीन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार ज्योग्राफी के बारे में। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट पीपीएससी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिहार में वन कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैप के थ्रू से भी, डाटा के थ्रू से भी, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वन क्षेत्र के एरिया से भी, आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर वन क्षेत्र की बात करने की बात करें तो पूरी इंडिया में सबसे एक नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश के एरिया में पाया जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरिया में। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बिहार के अंदर किन जिलों में किस फॉर्म में आपका वन की एरिया पाई जाती है। तो कह रहा है कि अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना आपका 94,163, ये तो आपका टोटल क्षेत्र याद है सबको, 9 × 4 × 1 = 36 का उल्टा 63, याद है सब किसी को, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा याद रहेगा ये। कुल वन क्षेत्र की बात करें तो कुल वन क्षेत्र कितना है 72,88, 72,88, 72,88 याद रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज की बात करें तो वन का क्षेत्रफल टोटल प्रतिशत का कितना है 7.74% है, क्लियर है फ्रेंड्स। हमने देखा था अभी कि आपका टोटल कृषि की एरिया जो थी वह सबसे अधिक हमारा कितना परसेंट था, 60% के आसपास था, 60 point something था, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जमीन आपका लगभग 4% था, ठीक है, ये अभी हमने आपको बताया था डाटा। तो फ्रेंड्स, 4% देखे तो उत्तर भूमि था, और उसके बाद 17.34% के आसपास आपका क्या था, वैसे जमीन थे जिस एरिया में हम क्या नहीं करते थे, जिन एरिया में हम यूज नहीं करते थे, कृषि का यूज नहीं करते थे। तो टोटल एरिया हमारा कितना निकल गया, 60% यहाँ पे निकल गया और 17.4% यहाँ पे निकल गया। आप मान लीजिए टोटल 80% की एरिया हमारा कृषि वाले पार्ट से अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद टोटल 20% की एरिया बची, 20% की एरिया में आपका 7.74% जो है आपका ये निकल गया आपका किधर, वन क्षेत्र के एरिया में, क्लियर हो रही है फ्रेंड्स पॉइंट, याद रहेगा डाटा ये। 60% आपका वन क्षेत्र का एरिया टोटल, याद सॉरी वन क्षेत्र नहीं फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र का, याद रखिए डाटा, मैं सबको कंपेरिजन करके बता रहा हूँ ताकि एक साथ डाटा करके याद रखिए आप। 60% कृषि क्षेत्र के लिए आपका 4.48 आपका समथिंग परसेंट आपका किसके लिए, वो ऊसर भूमि के लिए जहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है। उसके बाद 17.34% उन भूमि के लिए जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। ऊसर भूमि मैंने बताया था जिन एरिया पे कृषि हो ही नहीं सकती, यानी जो बंजर हो चुके उन एरिया को कह रहे हैं। और 17.34% जो ये डाटा दिखा रहा है, ये डाटा में ये बताता है कि इन जमीन पर हो सकती है लेकिन किया नहीं जाता है, राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एरिया आपको बताया था 64 लाख के आसपास में आपका किस फॉर्म में, कि जहां पर 64.84 का डाटा जो था वह जहां पर आपका बाढ़ से पीड़ित था स्पेशली, क्लियर डिफरेंस। तो आपको ये मेनली डाटा याद रखना है 60% कृषि के लिए और 7.74% किसके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन के लिए आपका क्षेत्रफल बटा हुआ है, क्लियर डिफरेंस। और सबसे ज्यादा जो सघन की बात करें हम लोग तो सबसे सघन कितना है आपका 248 square kilometers में सबसे अधिक सघन आपका वन क्षेत्र पाया जाता है। हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे सबसे अधिक सघन है और कहाँ पे कैसा है। उसके बाद क्या 32.08% आपका संरक्षित वन है, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट संरक्षित करती है, और राज्य की गैर संरक्षित में आपका 76.3 square kilometers की एरिया है। आप जरा सा एक बार गौर कीजिए आप कि किन किन जिलों में किस फॉर्म में वर्क ये करता है, जरा देखिए आप किन राज्यों में सबसे ज्यादा है, सॉरी किन जिला में, उनके बारे में जरा डाटा एक बार देखिए। देखिए आप अगर देखिए सबसे ज्यादा जो आपका बिल्कुल ग्रीन पार्ट ये दिख रहा है, ये देखिए ये वाला इलाका यहाँ पे और ये इलाका यहाँ पे,
दो जिला है आपका जो बिल्कुल घना घना दिख रहा है, ठीक है? एक है आपका कैमूर और दूसरा है आपका जमुई, ठीक है? कैमूर और जमुई दो का इलाका दिख रहा है जहां पर क्या है कृषि जो है 21% से ज्यादा एरिया में है, ठीक है? तो समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे कैमूर और जमुई में। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? हो रही है क्लियर? 21% एरिया से ज्यादा क्षेत्र में बना है कि कहां कहां पर? कैमूर में और जमुई में। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? उसके बाद अगर नॉर्मल करें 10 से 21% की एरिया तो कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? वेस्ट चंपारण, राइट? उसके बाद आपका रोहतास, इसे मैं कलर चेंज कर देता हूं, वेस्ट चंपारण रोहतास, ठीक है? उसके बाद क्या? गया, उसके बाद का नवादा, नवादा, और उसके बाद आपका यहां पे आपका थोड़ा सा मुंगेर का इलाका हो जाएगा, राइट? ठीक है, ये सभी इलाका आपका। एक और यहाँ पे जिला दिख रहा है आपको, वो है आपका लखीसराय का इलाका, राइट? ये जहाँ पे है, जहाँ पे 10 से 21% आपका क्या मिलता है? वन मिलता है, ठीक है? वेस्ट चंपारण, रोहतास, गया, नवादा, लखीसराय और आपका मुंगेर, ठीक है? यहाँ पे नॉर्मल मिलता है। सबसे अधिक दो राज्य, दो जिला में हमने बताया आपको, एक जमुई और दूसरा आपका कैमूर, जहाँ पे सबसे अधिक मिलता है। उसके बाद अगर कम की बात करें तो आपका कहाँ मिलेगा? वेस्ट चंपारण, रोहतास, गया, ठीक है, नवादा, उसके बाद आपका लखीसराय और आपका मुंगेर। क्लियर डिफरेंस? और जहां पर सबसे कम मिलता है, उससे कम मिलता है, अर्थात कि 10% से भी कम मिलता है, वो बाकी इलाका आपका आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि टोटल तीन पार्ट में कर सकते हैं, जहां पे बिल्कुल सघन सबसे अधिक हो, तो दो जगह है आपका, ठीक है? एक है आपका कैमूर और दूसरा है आपका जमुई, राइट? एक है आपका कैमूर और दूसरा क्या है पार्ट फ्रेंड्स? जमुई। उसके अलावा आपके किन पार्ट में आपका पाया जाता है? तो आप कह सकते हैं वेस्ट चंपारण, रोहतास, गया, नवादा, ठीक है, उसके बाद आपका लखीसराय और मुंगेर। लेकिन एक नंबर की बात करेंगे, हाँ, कुछ स्टूडेंट का ये डाटा रहता है कि किशनगंज, ठीक है, किशनगंज बारिश के लिए ज़्यादा फेमस है, वन के लिए नहीं, ठीक है? इस चीज़ का डाटा आप जरा सा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये डाटा याद रखिएगा, किशनगंज में बारिश सबसे अधिक होती है, राइट? और अगर वन की बात करें तो वन में दो आपका सबसे एक नंबर पे आएगा, एक होगा आपका कैमूर और दूसरा जमुई, राइट? बाकी उसके अलावा अगर ज्यादा की बात हो तो आपका डाटा में अगर ऑप्शन ये दोनों नहीं दिया हो तो इनमें से जो आपका छह बताया मैंने, इन छह में से कोई नाम हो तो लिख सकते हैं। वेस्ट चंपारण, रोहतास, गया, नवादा, आपका लखीसराय और आपका मुंगेर, राइट? अगर इसे याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं क्रम वाइज भी, सबसे ज्यादा कौन है। सबसे एक नंबर पे तो आएगा आपका, याद है सबको, जमुई। सबसे एक नंबर पे जमुई ने फ्रेंड्स, कैमूर आएगा एक नंबर पे, 33% इलाका में आपका होता है। अगर इसको याद रखना है फ्रेंड्स तो कैसे याद रख सकते हैं, जरा वो देख लीजिए। अब इसको याद करने का है, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे जो वो रहेगा आपका जेके लॉ मैनेजर, राइट? जेके लॉ मैनेजर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका याद रहेगा तो याद रहेगा। जेके का मतलब जमुई और आपका कैमूर, राइट? सबसे अधिक आपका एरिया वाला, सबसे एरिया में वन है जेके, जमुई और कैमूर दोनों में से जो ऑप्शन सही हो आपका उसे टिक आउट करेंगे। हालांकि अगर एक ऑप्शन की बात करें तो कैमूर आपका द परफेक्ट होगा, क्योंकि 33.3% एरिया में इसका पाया जाता है। उसके बाद ल की बात करें, एल और डब्ल्यू, तो एल से क्या हो जाएगा आपका, एल से लखीसराय, और W से क्या हो जाने वाला है आपका, वेस्ट चंपारण, ठीक है, M से मुंगेर, N से नवादा, G से गया और रा से रोहतास, ठीक है, R से रोहतास, ठीक है, JK लॉ मैनेजर, राइट? JK लॉ मैनेजर, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बिहार के वन क्षेत्र में JK लॉ मैनेजर से याद रहेगा। J से जमुई, K से कैमूर, लॉ मैनेजर की बात, L से लखीसराय और W से वेस्ट चंपारण मैनेजर की, M से मुंगेर, एन से नवादा और जी से आपका हो जाएगा गया और आर से रोहतास, राइट? क्लियर है फ्रेंड्स सबको? एक बार थम्स अप करते रहिए और सेशन को लाइक करते रहिए। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक जरूर करें। क्लियर है फ्रेंड्स?